अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। रिलैक्स, जस्ट काम डाउन। देखो तुम इस बारे में बिल्कुल मत सोचो, इनफैक्ट तुम कुछ सोचो ही मत, ओके? क्या हुआ? ये जो तुमने अभी किया ना, ये तुम दोबारा नहीं करोगे। क्या किया? तुमने मेरा हाथ पकड़ा अभी। तुम्हें मेरे हाथ पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बात सुन रही हूँ ना। तो हाथ पकड़ने में कौन सा गुनाह है? जो दोस्त होते हैं वो तो कॉमनली हाथ पकड़ते ही है ना। तुम तो मेरी मैं तुम्हारी समझ गई, मैं तुम्हारे बेटे जैसे राजवीर की माँ जैसी मासी हूँ। ये ना नहीं प्रीता, तुम मेरे बेटे राजवीर की माँ हो, मेरी पत्नी हो। हाँ, अब चुप क्यों हो गए? कोई रिश्ता होगा तो बोलोगे ना तुम? देखो करण, तुम नहीं समझोगे, मैं तुम्हें पहले भी समझाने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन लड़कियां होती है ना, वो एकदम समझ जाती है। जब किसी का पति उसके सामने किसी और का हाथ पकड़ता है ना, तो उस पत्नी को बुरा ही नहीं लगता, वो ऊपर से नीचे तक जल जाती है, उसे गुस्सा आता है। और ये बात तुम नहीं समझोगे, क्योंकि दुनिया में एक पत्नी किसी के साथ कुछ भी बांट सकती है, लेकिन अपना पति नहीं। पति नहीं, उसका सवाल ही नहीं उठता है, वो बांटने की चीज ही नहीं है, क्योंकि ऐसा सोचना भी गलत है। एक पत्नी के सामने उसका पति अगर किसी और औरत के साथ हंसे घुले बात करे, तो पता है उस पत्नी पे क्या गुजरती है? पता है वो कितना हर्ट फील करती है, उसे कितनी जलन होती है। और वो गलत नहीं होती है, सही होती है। तो तुमने जो निधि के सामने मेरे साथ किया ना, प्लीज फिर से मत करना। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, सच में प्रीता, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और ऐसा कुछ नहीं किया है जो मुझे आगे नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट मी। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? कहीं ये कोई और चक्कर तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि निधि को जेलस कराने के लिए तुम मेरा यूज कर रहे हो? मतलब मेरे साथ ये सब बातें कर रहे हो ताकि निधि जेलस फील करे, फिर वो तुम्हारे और करीब आ जाए और तुम दोनों में रोमांस और बढ़ जाए? देखो, दिस इज नॉट राइट। अगर तुम इसके लिए भी ऐसा कर रहे हो ना, तो ऐसा मत करो। और अगर ये बात भी है ना, तो देखो ऐसे मत करो, मतलब तुम्हें उसे रोमांटिक फील कराना है तो कोई और रास्ता अपनाओ, अपने दम पर करो जो करना है, मुझे बीच में मत लाओ, मुझे मत यूज करो। हाँ, तुम्हारी पत्नी है, तुम उससे बात करो। तुम हम दोनों के बीच में नहीं आ रही हो, वो हम दोनों के बीच में आ रही है। आई मीन टू से कि हम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा गलत नहीं है जिससे उसको बुरा लगेगा, निधि को बुरा लगेगा, वो बुरा नहीं मानेगी। हम दोनों दोस्त हैं और वो समझती है हम दोनों की दोस्ती, इसलिए वो नाराज नहीं होगी। इट्स फाइन, कूल, रिलैक्स, निधि को बुरा नहीं लगा है। उसे बहुत बुरा लगा है, मैंने देखा है अपनी आंखों से, आई नो। तो मैं तुम्हें जो समझा रही हूँ उसे समझो, आगे से ऐसा मत करना। तुम्हें सबकी बातें समझ में आती है ना, सिवाय मेरे सबके इमोशन समझ में आते हैं, बस मेरे इमोशन समझ में नहीं आते तुम्हें प्रीता। क्या मतलब? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।